तब आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर रामपुर से सामने आ रही है जहां सपा नेता आजम खान सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल के लिए रवाना किया गया है। अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट किया जाएगा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आजम की पत्नी रामपुर जेल में ही रहेंगी। जेल अधीक्षक की तरफ से ये कहा गया है, आजम खान और बेटे को रामपुर जेल से लेकर निकला गया है, जब भारी सुरक्षा के साथ दोनों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो बता दें कि आजम खान की जेल बदली जा रही है। जहां सपा नेता आजम खान सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं, आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल के लिए रवाना किया गया है। तो अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आजम की पत्नी रामपुर जेल में ही रहेंगी, जेल अधीक्षक ने कहा है। आजम खान और बेटे को रामपुर जेल से लेकर भारी सुरक्षा के बीच निकला गया है। बता दें आजम खान सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं। भारी सुरक्षा के साथ आजम खान को लेकर पुलिस निकली है। तो सपा नेता आजम खान सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं। आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं बता दें बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल के लिए रवाना किया गया है। अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और संवाददाता ओमपाल हमसे जुड़ चुके हैं। ओमपाल देखिए, सपा नेता आजम खान सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं, बेटे अब्दुल्ला और आजम की जेल बदली जा रही है, क्या कुछ वजह सामने आई है जेल बदलने की? बिल्कुल, देखिए कई दिन से ये बात चल रही थी कि आजम खान की फैमिली को यहाँ से बाहर ले जाया जाएगा। सो सुबह अर्ली मॉर्निंग आजम खान को सीतापुर की जेल में भेजा गया है, उनके बेटे को हरदोई की जेल में भेजा गया है और उनकी पत्नी को फिलहाल रामपुर की जेल में ही रहने दिया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल पहली बार आजम की फैमिली को किया गया है, क्योंकि पिछली बार जब सजा हुई थी 27 अक्टूबर 2022 को, तब आजम खान की पूरी फैमिली को सीतापुर की जेल में भेजा गया था। लेकिन इस बार जब उनके बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र में जब सजा हुई, तब से ही ये चल रहा था कि इनकी फैमिली को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पर अलग अलग कर दिया जाएगा। लेकिन आज उनके जो पिता हैं आजम खान, उनको सीतापुर भेजा है, अब्दुल्ला आजम को हरदोई भेजा है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं हमारे साथ जेल अधीक्षक सुरेश सिंह जुड़े हुए हैं सीतापुर से। सुरेश जी देखिए, आजम खान और उसके बेटे की जेल बदली जा रही है, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे जेल में, क्या वजह है जेल शिफ्ट करने के? ये तो हमें नहीं पता है। हेलो, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है जेल में? तो कोई भी बंदी आता है तो सामान्य सुरक्षा व्यवस्था रहती, जैसे वैसे है हमारे यहाँ भी है। कितने बजे तक सीतापुर जेल तक पहुंचेंगे? ये हमें नहीं पता है, पुलिस गार्ड की रक्षा में होंगे, तो ये मैं नहीं बता सकता कितने बजे तक पहुंचेंगे। देखिए, जानकारी सामने आ रही है कि सीतापुर के लिए आजम खान रवाना हो चुके हैं, लेकिन पुलिस गार्ड की रक्षा में होंगे ना, पुलिस गार्ड ला रही होगी, पुलिस गार्ड से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कोई तैयारी नहीं, जेल तो जेल ही होती ना, सामान्य जैसे बंदी रखे जाएंगे, वैसे अगर आते हैं तो उनको भी रखा जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, आजम खान की जेल बदली जा रही है, सीतापुर के लिए आजम खान रवाना हुए हैं। तो भारी सुरक्षा के बीच आजम खान सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं। वहीं बेटे अब्दुल्ला को हरदोई जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हमारे सहयोगी ओमपाल हमसे जुड़े हुए हैं। ओमपाल देखिए, जानकारी सामने आ रही है कि आजम खान सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं?
पुलिस की चार गाड़ियां उनके साथ हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग रात 2 बजे तक तो हमने काफी इंतजार देखा, लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि आज उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन सुबह ये खबर मिली 4 बजे के तकरीबन कि उनको यहाँ से सीतापुर की जेल ले जाया जा रहा है और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और फिलहाल उनकी जो पत्नी तंजीम फातिमा है उनको रामपुर की ही जिला जेल में रहने दिया जाएगा। तो ये बड़ा फेरबदल, और इस फेरबदल को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में खासतौर से समाजवादी पार्टी के चुनावों अखिलेश यादव भी कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब पिता पुत्र और उनकी जो माता है अब्दुल्ला आजम की तंजीन फातिमा, उनको पहले भी सजा हुई थी तो एक ही जेल में रखा गया था, एक ही परिवार को एक साथ रखा गया था, लेकिन इस बार जब जेल बदली गई है तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों को लेकर अब समाजवादी पार्टी से कोई बड़ी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है और इन सब चीजों को लेकर राजनीति भी गर्माएगी, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर अलग अलग नजरिए से देखा जाएगा कि आखिर क्या वजह थी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को अलग थलग करने की, क्या वजह है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह को लेकर अब्दुल्ला आजम को अलग जेल में शिफ्ट किया गया, उनके पिता को अलग जेल में शिफ्ट किया गया, माता को शहर जो रामपुर की कारागार है उसमें रहने दिया गया। तो इन सब चीजों को लेकर अब मंथन और चिंतन समाजवादी पार्टी में हो रहा है और उन सब चीजों को लग रहा है बहुत जल्द ही कोई प्रतिक्रिया आने वाली है। ओमपाल, कब तक पहुंचेंगे आजम खान सीतापुर, क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है? मैं समझता हूं कि 2.5 से 3 घंटा लगेगा, क्योंकि 2.5-3 घंटा लग गए, 5-7 घंटे का रास्ता है, तो मैं समझता हूँ 2-2.5 घंटे के अंदर वो सीतापुर की जेल में आजम खान पहुंच जाएंगे, हरदोई अब्दुल्ला आजम पहुंच जाएंगे। 2.5 से 3 घंटे के भीतर पिता पुत्र दोनों अलग अलग जेलों में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो काफिला निकला है काफी तेजी के साथ निकला है और अब कहीं जाम की भी ऐसी समस्या नहीं है जो खमाखा उनको कहीं पर वेट करना पड़े, और सुबह सुबह का वक्त है जिस समय को यहाँ से निकाला गया था। तो मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 घंटे में सीतापुर में आजम खान पहुंच जाएंगे और हरदोई में अब्दुल्ला आजम पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और सीतापुर से हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए, आजम खान सीतापुर जेल में शिफ्ट किए जाएंगे और सीतापुर के लिए रवाना भी हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए मयूरी जी, आपको बता दूं, आजम खान को आज सीतापुर रामपुर जिला जेल में, इससे पहले भी आजम खान करीब 2 साल आप सीतापुर में जेल में रहे थे और आजम खान ने एक अर्जी भी डाली थी उनको रामपुर ना रख करके उनको किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, और पहली प्राथमिकता पर उन्होंने सीतापुर जेल का नाम दिया था। आज सीतापुर जेल आजम खान को लाया जा रहा है और यहाँ पे इनको शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल जेल अधीक्षक से बात की गई तो जेल अधीक्षक का कहना है कि अभी हमारे पास मौखिक जानकारी आई है, लेकिन अभी हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं आई, लेकिन आजम खान के आने की जेल प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि आजम खान को किस बैरक में रखा जाएगा। जी, तो किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मयूरी जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर पुलिस फोर्स वगैरह लगा दी गई है, ताकि क्योंकि आजम खान के बहुत सारे समर्थक भी हैं साथ में आते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर रोकने का प्रयास भी पुलिस के द्वारा किया जाएगा कि ताकि जेल में भीड़ ना हो और आजम खान को सुरक्षित जेल के अंदर शिफ्ट किया जाए। और आजम खान जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ ही। हरदोई से तो यह हरदोई से तस्वीरें आप देख सकते हैं, बता दें कि अब्दुल्ला आजम को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, जेल बदली जा रही है रामपुर से, अब हरदोई शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी भरपूर देखने को मिल रही है। यह हरदोई जेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रामपुर से अब्दुल्ला आजम रवाना भी हो चुके हैं। तो सीतापुर से ओमपाल हमसे जुड़े हुए, बसंत मिश्रा हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ रहा है, एक तरफ आजम खान को अलग रखा गया है, बेटे अब्दुल्ला को अलग किया जा रहा है, उनकी पत्नी अलग कर दी है, वजह अभी तक सामने नहीं आई है। तो एक बात बताना चाहेंगे, पिछली बार जब आजम खान का बेटा और उनकी पत्नी सब लोग एक जेल में शिफ्ट किए गए थे, लेकिन इस बार प्रशासन ने उनको अलग रखा है, उनके बेटे को हरदोई जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही, आजम खान को यहाँ शिफ्ट करने की, सीतापुर जिला जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही, और जो उनकी पत्नी है तंजीम फातिमा उनको दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी। कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन उनको एक साथ ना रख करके अलग अलग करने की तैयारी कर रहा है।
जी ठीक है ओमपाल, देखिए अभी जानकारी सामने आ रही है, जैसा अभी आपने बताया कि 2 से 2.5 के बीच आजम खान सीतापुर पहुंचेंगे, तो उनके साथ कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्या इसकी कोई जानकारी सामने आ रही है? जिला जेल के कुछ अधिकारी मौजूद हैं और यूपी पुलिस के जवान कुछ मौजूद है, क्योंकि 4 गाड़ियां हैं उनके आगे, 2 गाड़ी उनके आगे चल रही है और 2 गाड़ी सुरक्षा कारणों से उनके पीछे चल रही है, एक चार्डी है जिसमें आजम खान बैठे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर पहले से ही ये माना जा रहा था कि आजम खान की फैमिली को पिछली बार की तरह इस बार किसी दूसरी जेल से शिफ्ट किया जाएगा और अब उनको शिफ्ट कर भी दिया जाए। तो आप समझिए कि जो सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा कारणों को लेकर के, किन कारणों को लेकर उनको किया है, कोई ऑफिशियल जानकारी तो अभी आई नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र सिंह मांडर ने कहा था कि इस मामले को लेकर शासन से कोई निर्देश आएगा तो जरूर उसका पालन किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि किन कारणों से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर की जेल में रहने दिया गया है और किन कारणों से अब्दुल्ला आजम को हरदोई की जेल में शिफ्ट किया गया है और किन कारणों से आजम खान को सीतापुर की जेल में भेजा है। तो क्योंकि सजा हुई है और सजा के बाद कैदियों को भेजा भी जाता है, लेकिन एक फैमिली के अगर 3 सदस्य हैं, पिता पुत्र और माता, तो इन सब चीजों को लेकर क्या प्रावधान है और क्या उन प्रावधानों में कोई प्रशासन से चूक हुई है और नहीं अगर हुई है तो इन सब चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से इन सब बातों को लेकर क्या बात कुछ आगे बढ़ेगी, क्योंकि काफी दिनों से ये सब चीजें चल रही हैं। जो चीजें हुई हैं यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद और अब कोर्ट के फैसले के बाद, तो उनसे जब जब चाहे शिवपाल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो लगातार आजम खान के साथ जुबानी तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन अब जिला जेल से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है तो अब आजम खान को लेकर उनके फैमिली से हंसते हंसते शादी है उनके लिए क्या जी। ठीक है बसंत, हमसे जुड़े हुए हैं सीतापुर से, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है बसंत, कब तक पहुंचेंगे आजम खान सीतापुर? जेल में आने की बात की जाए तो आजम खान अभी मान के लिए आप 1 से 1.5 घंटा उनको लगेगा सीतापुर जेल पहुंचने में, और जेल प्रशासन और साथ में जिला प्रशासन वो भी मौके पहुंच चुका है, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर रही है, आजम खान जो आ रहे हैं उनको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको जेल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, और जेल प्रशासन भी मुस्तैद हो चुका है कि आजम खान को 1-1.5 घंटे के अंदर आजम खान सीतापुर के जिला जेल उसको पहुंच जाएंगे। सीतापुर जेल के बाहर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस वक्त? अभी देखिए सीतापुर जेल के बाहर की बात अगर की जाए तो सीतापुर जेल के बाहर की आपको बता दें, यहाँ पर फिलहाल पुलिस व्यवस्था जो है धीरे धीरे पुलिस फोर्स बढ़ा दिया गया है और मीडिया का भी जमावड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे मीडिया के लोग भी आकर के यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी को आजम खान के आने का इंतजार, उसको लेकर के प्रशासन ने भी मुस्तैदी कर दी है ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, कोई सुरक्षा में चूक न हो, आजम खान जैसे जेल आते हैं उनको अंदर ले जाकर के शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। जी ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए आजम खान की जेल बदली जा रही है और इसको लेकर तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।